हेलो फ्रेंड्स, मैं शिखा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम व्रत में बनने वाली सिंघाड़े की आटे की सब्जी बनाएंगे। आइए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बर्तन को गैस पर रखेंगे। अब उसमें करीब 2 ग्लास पानी डालेंगे। अब इसमें करीब 3 से 4 मैश किए हुए आलू डालेंगे और मिला लेंगे। अब इसमें करीब 2 से 3 चम्मच सिंघाड़े का आटा डालेंगे। और अच्छे से मिला लेंगे ताकि आटा बर्तन पे ना चिपके। कुछ लोग टमाटर का भी यूज करते हैं, लेकिन हम टमाटर का यूज नहीं करेंगे, हम सिंघाड़े के आटे का यूज करेंगे जिससे सब्जी में गाढ़ापन रहता है। अब हम इसमें स्वाद अनुसार सेंधा नमक और करीब 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर डालकर अच्छे से मिला लेंगे। और सब्जी को उबलने देंगे। सब्जी में उबाल आ चुका है, अब इसे गैस से उतार लेंगे। अब तड़के की तैयारी कर लेते हैं। अब तड़के के लिए छोटा सा बर्तन गैस पर रखेंगे और उसमें करीब 1.5 चम्मच घी डालेंगे। घी गर्म हो चुका है, अब उसमें 1 चम्मच जीरा, 2 से 3 कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे और उसे थोड़ा फ्राई होने देंगे। अब हम तड़के को सब्जी के ऊपर डाल देंगे और मिला लेंगे। अब ऊपर से बारीक कटे हुए धनिया के पत्ते डालेंगे। हमारी सिंघाड़े के आटे से बनी आलू की सब्जी बनकर तैयार है। अब हम इसे सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। आप इसे व्रत में कुट्टू के पकौड़े, पराठे या पूड़ी के साथ खा सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।